बर्थडे वी अटेंडेड शतरंज. हो गया मुझे लोग किया कैमरे में फोटो कैमरा. बहुत खुशी की बात है कि आज हम एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं जिसमें मैंने और सानिका ने गाया है. ये छोटी सी है लेकिन गाती बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाती है. और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर संजय राज जी, सब लोग जानते हैं इनको, इन्होंने इतना काम किया है, हज़ारों एल्बम रिकॉर्ड किए इन्होंने, थोड़े बहुत नहीं हज़ारों. अगर इनका सब नंबर्स जो हैं गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भेज दें तो इनका नाम सबसे पहले आएगा. लेकिन ये भेजते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं भेजते, शायद इनकम टैक्स वालों से डरते. तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने सानिका को इतना अच्छा टैलेंट दिया है और अंदर भक्ति दी है. जब भक्ति होती है तब भजन गाया जा सकता है, नहीं तो भजन तो सब लोग गा लेते ना, सब क्यों नहीं गा पाते, क्योंकि अंदर भगवान अपनी भक्ति अंदर डालता है, कण डालता है. तो वो कण जो है वो सानिका के भीतर डाला गया है और वही उभर के सामने आ रहा है. और ये इतना सुंदर गा रही है, भगवान से प्रार्थना है कि ये एल्बम खूब चले, घर घर में बजे और मेरा, सानिका का और संजय राज जी का खूब नाम हो इससे. हम लोग इसी कोशिश में. आप जो भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है, तो क्या खास बात होती है जब कोई भी एल्बम के साथ आप अपना नाम जोड़ते हैं? पहले तो मैं ये हाथ लगाता हूँ, पूरे एक ही सोना. ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा साधारण सा गायक हूँ, लेकिन जो करता हूँ मेहनत से करता हूँ और भगवान मेहनत का फल दे देते हैं. सानिका पहले से ही सोना है, ये स्वर्ण है, इसके अंदर भगवान ने सारे गुण डाले हुए हैं और वो जो गुण हैं वो अपने आप ही खुशबू देंगे. बाकी ये है कि आप लोग, मीडिया का बहुत इसमें सहयोग होना चाहिए. एक शेर है छोटा सा, मैं आपको सुनाता हूँ कि खुशबू को महकने का हक है, खुशबू को महकने का हक है, लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी. तो आप लोग हवाएं हैं, अगर आप लोग उस खुशबू को नहीं दूर दूर तक भेजेंगे तो वो खुशबू महकेगी नहीं. इसलिए सानिका की खुशबू को आप जैसे लोग दूर तक पहुंचाएंगे और सारी दुनिया फिर सानिका को जानेगी. सानिका, क्या कहना चाहेंगे आप? अनूप सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और थोड़ा सा एल्बम के बारे में बताइए. बहुत अच्छा रहा और मेरे एग्ज़ाम्स चालू थे फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया और फिर एग्ज़ाम्स के बाद शूट भी किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. तो क्या सीखने मिला आपको? मतलब गायकी के अलावा मतलब कैसे आपको सिखाते थे ऑन सेट, उस बारे में कुछ बताया? हिम्मत बढ़ाते थे. हाँ, एनकरेज करते थे कि खूब गाओ, अच्छा गाओ, यही था ना? हाँ, बताओ. एनकरेज करते थे. संजय सर, क्या कहना चाहेंगे एज अ डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सुहास जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे सामने लाया. और ख़ास बात यह है कि मेरे दोनों गुरु, जिनके बिना मेरा कुछ चलता नहीं है, सुरेश वाडकर जी, अनुप जी आपके सामने हैं. तो ये जो जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत खूबसूरत, ऐसा मुझे लगता नहीं कि आया होगा. तो उसमें से सुरीली सानिका, तो ये जो कॉन्सेप्ट बना है उसका एक अलग मज़ा है. और मुझे लगता है ये धमाल करेगा. एक गणेश जी का भी इसमें है, सुरेश जी ने गाया है मैंने बताया, और सानिका साथ में है. और मेरा क्रिएट किया हुआ मंत्र भी है इसमें, मतलब जो ओम गंग गणपते नमो नमः और कृष्ण भगवान का भी है.
और यहाँ पे इसमें पंडित किरण मिश्रा जी, उनके भी दो गीत हैं, बस ऐसा ही कुछ है। और खास और एक बात है कि टाइम्स म्यूजिक इसको रिलीज़ कर रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा मौका हमको दिया है, धन्यवाद। और मैं दोनों गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए आए, सानिका के लिए आए, बस यही आशीर्वाद सदा रखें, यही प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनके पास मैं वृंदावन गुरुकुल में संगीत सीख रही हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो ये एल्बम आप ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा, धन्यवाद। सर, अमित साहब का एक एल्बम आया था जो लास्ट ईयर, तो सर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस एल्बम और वो एल्बम? बहुत मतलब इतने मतलब बड़े बच्चन साहब के बाद तो ये अनोखा एल्बम है, वो तो एक उनका एक स्ट्रेटजी अलग है, ये है ये तो मतलब खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और इसमें खास मैं अपने गुरुकुल के गुरु माँ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी, कि उन्होंने भी मुझे हर बार कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये मुझे काफ़ी उन्होंने बताया, तब जाके ये चीज़ अच्छी बनी। सर जाते नारायण अग्रवाल जी, उनका संदेशा है, वहीं से हम प्रारंभ करेंगे आज के इस सुरीली सानिका के भक्ति संगीत एल्बम के डिजिटल एल्बम के मंचन। और ये डिजिटल एल्बम टाइम्स म्यूजिक की ओर से यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है जन्माष्टमी के दिन, इसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तथा ऑडियो के जो अलग अलग माध्यम है, सावन, गाना, एप्पल, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिटिया सुरीली सानिका की आवाज, भक्तिमय आवाज, उनका स्वर हम तक पहुंच सकता है। इसके साथ आभारी है आनिंदिया जी टाइम्स म्यूजिक, अंबर सिंह जी फॉर वीडियो शूट, विवरेश जी एलएच स्टूडियो, अवधूत जी आजीवसन स्टूडियो, प्रीतम शर्मा जी जिन्होंने पूरा पीआर लोक संपर्क संभाले हुआ था, और खासकर डॉक्टर सुरेश वाडकर जी, सुप्रसिद्ध गायक भजनिक, आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं पर बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु जी से निवेदन है, प्रभु जी से, अनुप जी से निवेदन है, बेटा को आशीर्वाद आपके श्रीमुख से।